हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय जोशी और हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिशियन संजय जोशी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीजे की स्मोक मशीन के बारे में। आपको मशीन कौन सी लेनी चाहिए, कितने वाट की लेनी चाहिए, मैं आपको आज सारी डिटेल इस वीडियो में दूंगा। जो मैं आज जिसका रिव्यू मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है स्टेन कंपनी की Z1500B जो स्मोक मशीन है, जिसको हम फोगन मशीन भी बोलते हैं, फोग मशीन भी बोलते हैं, धुएं की मशीन भी बोलते हैं, वो ये है। और इस मशीन की जो प्राइस है वो लगभग आपको 4 से 5 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। जो मैं लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, मैं डीजे से रिलेटेड बहुत वीडियो अपलोड करता हूँ, आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हो। हमारा चैनल म्यूजिशियन संजय जोशी नाम से है। अगर आपको डीजे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो सर्च कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। DMX से रिलेटेड, SRP से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड और स्पीकर, कौन से स्पीकर आपको लेने चाहिए, कितने वाट में कौन सी मशीन लेनी चाहिए, सारे से संबंधित मैं वीडियो जो अपलोड करता हूँ। और आज जो वीडियो है वो स्मोक मशीन के बारे में है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और बेल आइकन भी प्रेस करें। ये इसका केमिकल का डब्बा है। इसका जो केमिकल आता है वो 150 रुपये से स्टार्टिंग है, 150 रुपीज़ से। इसका इसमें अभी थोड़ा लिक्विड डाला हुआ हमने। यहाँ से ऐसे खुलता है ये। इसका केमिकल का है ये। दोस्तों, ये स्टेन की Z1500B स्मोक मशीन है, 1500 वाट की है। यहाँ आप देख सकते हो स्टेन लिखा हुआ है। ये Z1500B इसका मॉडल। इसका पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेन Z1500B, ये पीछे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ लो। ये पावर ऑन ऑफ का स्विच है, ये पावर कनेक्टिविटी केबल है, ये इसका इंडिकेटर है, और ये दो आपको इनपुट दिए हुए हैं जहाँ से आप अपने स्मोक मशीन का स्मोक निकाल सको। यहाँ पे कुछ वार्निंग और अटेंशन दिया हुआ है। ये इसकी पावर केबल है जो हम इसमें डाल रहे हैं, और इसका हम कनेक्शन कर देते हैं। ये जो स्मोक मशीन है ये हीट लेने में कम से कम 2 मिनट लेती है, और ये कंटिन्यू नहीं चलती है, कुछ देर स्मोक निकालेगी फिर ये इसका पंप है जो हीट लेगा। और आप देख सकते हो इसमें पावर सप्लाई आ चुकी है। ये दो तरह से चलती है, एक इसका वायरलेस रिमोट है और एक इसका जो केबल आती है वो है। वायरलेस रिमोट तो इसका ये है, इसमें 4 स्विच दिए हुए हैं। ये इसका वायरलेस रिमोट है, ये वायरलेस रिमोट का रिसीवर है, ये हम यहाँ इसके ऊपर लगाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हो अभी रेड लाइट आ रही है, जब ये ग्रीन होगी तब ये स्मोक निकालेगी। अभी हीट ले रहा है इसका पंप, और ये इसका रिमोट है। ये इसका वायर वाला रिमोट है, अगर वायरलेस रिमोट आपका ख़राब हो जाए तो ये आपका काम निकाल देगा। ये दोनों इस मशीन के साथ ही आते हैं, ये हमने नीचे डाल दिया। अभी इसमें रेड इंडिकेशन आ रहा है, जब ग्रीन आएगा तब ये स्मोक निकालेगी, जैसे मशीन में मैंने आपको बताया था। अभी ये थोड़ा टाइम ले रही है, इसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। जैसा कि ये मशीन ऑन हो चुकी है, इसका पंप ने हीट ले लिया है, इसमें ग्रीन लाइट आ गई है। अब हम इसका स्मोक निकाल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि इसमें ग्रीन लाइट आ गई है, अब ये स्मोक निकालेगी। हम इसका स्विच दबाएंगे तो ये स्मोक निकालेगी। ये देखो, इसमें स्मोक निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मोक निकालती है मशीन एक ही बार में। धुआं ही धुआं कर दिया इस मशीन ने। 1500 वाट की काफ़ी लोडेड मशीन है ये। पहले हमने इसके जो वायर्ड इसका केबल रिमोट था वहाँ से उससे चलाया था, अब इस रिमोट से चला रहे हैं। ये प्रेस करेंगे, स्मोक निकलेगा। एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं इसी तरह आगे डीजे के बारे में अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।